मैं डॉक्टर रुचि गोयल हूँ. मैं सीनियर कंसल्टेंट Eye7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में ऑक्युलोप्लास्टी की हेड हूँ. और मैं अब आपको आज बताऊंगी कि आंखों से पानी किस लिए आता है ये, क्योंकि बहुत ही आम समस्या है हम सबकी और इसको हम एपिफोरा कहते हैं और इसके क्या इलाज है. सो आंखों का पानी बेसिकली बनता कहाँ से है, मैं एक आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया देती हूँ. तो आंखों का पानी बनता है लैक्रिमल ग्लैंड से और इसकी पानी के बनने के लिए कुछ नलियां हैं. यहाँ से पानी होता हुआ ये हमारी पलक है और यहाँ हमारी पलक का एंड करती है नाक के पास. वहाँ पे दो रास्ते होते हैं, उससे ये नाक की तरफ बह जाता है. अब पानी ज़्यादा क्यों बनने लगता है, पानी ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि पानी नहीं होएगा तो हमें साफ ही नहीं दिखेगा. और ये आँख पूरी परत को न्यूट्रिशन देता है, साथ में आपको क्लैरिटी देता है विजन की. और आपको पानी ना हो तो सूखापन महसूस होना शुरू हो जाएगा. तो लेकिन पानी बाहर क्यों गिरना शुरू होता है जब इतना अच्छा बढ़िया रास्ता बना हुआ है? तो कारण एक तो ये हो सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा बन रहा है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि पानी नाक में ठीक से ड्रेन ना हो रहा हो. तो पानी ज़्यादा बनने के क्या कारण हो सकते हैं, कि एक तो ये है कि यहाँ पे कोई इरिटेशन हो रहा हो ऑक्युलर सरफेस पे. तो ऑक्युलर सरफेस पे इरिटेशन कैसे हो सकता है, जैसे आपकी यहाँ पे पलक है वो यहाँ पे कोई सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ हो रहा है, या फिर ये पलक के बाल जो हैं ये नॉर्मली बाहर की तरफ होते हैं ये अंदर की तरफ मुड़ जाएं और ये टच करने लगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई घाव हो जाए पुतली पे. तो इन सभी कारणों से, या यहाँ कोई सूजन का कारण हो, तो इन सभी कारणों से आँख में पानी बाहर की तरफ बहना शुरू कर देता है. अब कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगी. दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे इस आंसू के रास्ते को अब हम बड़ा करके देखते हैं, ये हमारी आंसू की दो नालियाँ होती हैं, इसे हम पंक्टम कहते हैं और इसको हम कहते हैं केनालिकुलस. ये आपस में जुड़ती हैं और एक कॉमन केनालिकुलस बनाती है. उसके बाद एक सैक होता है जो कि नाक में खुल जाता है. तो अगर हम इसको वापस इस तरह से देखें तो ये आँख पलक के इस तरह हुआ और ये हमने जैसा बताया आपको ये सब नाक में खुल रहा है. तो अब हमारी रुकावट जो है वो यहाँ पे भी हो सकती है, पंक्टम के लेवल पे, केनालिकुलस के लेवल पे, ये अपर एंड लोअर का नीचे का और ऊपर का केनालिकुलस, कॉमन केनालिकुलस के लेवल पे, या नेजो लैक्रिमल डक के लेवल पे. जब भी हमारी ये रास्ता बंद होता है तो अगर हम कहते हैं कि ये बंद है या नहीं है, तो हम हमेशा एक आपका टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सिरिंजिंग जिसे कहते हैं, जिससे कि पानी हम यहाँ से भेजते हैं और चेक करते हैं कि गले में आ रहा है कि नहीं. अगर वो नहीं आता तो हम उसको जांच करके ये पता करते हैं ये किस लेवल पे ब्लॉक्ड है. जब हमें पता चल जाता है सपोज़ ये यहाँ ब्लॉक्ड है, तो हम प्रोसीजर जो करते हैं उसे कहते हैं डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टमी या DCR, या आप आमतौर पे आप सुनेंगे DCR सर्जरी. तो ये सर्जरी जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि आंसू का रास्ता इसको, ये तो बंद चल नहीं रहा, अब हम इसको बाईपास करके हम एक ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ बना देते हैं, इधर ही नाक में खोल देते हैं इसका ऑल्टरनेटिव रूट डायरेक्टली. ये भी कई तरीके से होता है और उसके जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप पूछ सकते हैं किस किस तरीके से DCR किया जा सकता है. कई बार हमें क्या होता है, हमें लगता है ये पेटेंसी इसकी यानी कि बंद होने की संभावना है, तो हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेंट. तो स्टेंट जो होता है वो बेसिकली निकाल दिया जाता है बाद में, वो कुछ 4 से 6 हफ्ते के लिए रखा जाता है और उस स्टेंट का मकसद ये रहता है कि जो हमने रास्ता बनाया है वो खुला रहे. तो जिसे कहते हैं DCR. कई बार क्या होता है रास्ता केवल यहीं पे बंद है इस एरिया में, तो अगर केवल इस एरिया में बंद है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको एक बार प्रोब डाल के खोलते हैं और फिर उसी तरह से एक स्टेंट डाल के 4-6 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं. तो इसको कई बार हम आप कहेंगे केनालिकुलर ट्रेफाइनेशन विद स्टेंटिंग, तो उसका मतलब ये होता है. फिर कई बार हमारा केवल पंक्टम यानी कि यहीं पे रास्ता ब्लॉक्ड होता है, तो हम इसको भी खोल के कई बार स्टेंट डाल देते हैं और इसका ट्रीटमेंट इसी तरह किया जाता है. ये सब करने के बावजूद कई बार ऐसा होता है रास्ता इस जगह से बंद हो जाता है कि हम कहीं से भी नहीं खोल सकते. तो उस सिचुएशन में पानी आपको बहुत बॉदर कर रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड है इसके अंदर हम बोटॉक्स लगाते हैं. इस बोटॉक्स का काम ये रहता है कि इस पानी को बनने से कम कर दे, पूरे इतना भी नहीं लगाते कि बिल्कुल बंद हो जाए, पर पानी को बनने से कम कर देता है. बोटॉक्स लगाते हैं हम अंदर की साइड से यानी कि कंजंक्टिवल साइड से,
और इसका बोटॉक्स का असर जो है वो रहता है करीब 3 से 6 महीने के बीच, तो कई बार हमें ये बोटॉक्स रिपीट कराना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था कि और कारण ये भी हो सकते हैं कि हमारी जो पलक है वो चुभ रही हो। तो ये पलक अंदर कैसे मुड़ जाती है और कैसे चुभने लगती है, इसके कई कारण होते हैं। जैसे ये पलक के बाल अंदर चुभते हैं, आपने देखा होगा पहले ज़माने में ट्रेकोमा बड़ा कॉमन होता था। तो ट्रेकोमा से क्या होता था, ये पलक जो होती थी उसमें सूजन आती थी और वो जब सूज के ठीक होता था वो टेढ़ी मेढ़ी होके उसके बाल अंदर चुभने लगते थे। तो ये बड़ा आम कारण होता था पलक के बाल अंदर चुभने का, और इसको हम कहते थे साइकेट्रिसियल ट्रिक एंट्रोपियन। सो एंट्रोपियन जो होता है उससे सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो या तो केवल बाल चुभ रहे हैं तो कई बार हम एपिलेशन करते हैं, और अगर पलक भी थोड़ी साथ में मुड़ी हुई है तो उसके कई प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि हम इस पलक को वापस बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। एक और बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि पलक के बाल अंदर की तरफ मुड़ना हो जाते हैं ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्यों होने लगता है ये सब, उसको कहते हैं हम सिनाइल एंट्रोपियन। अब सिनाइल मतलब उम्र के साथ चेंजेस आना, जब हम हमारी उम्र होने लगती है, बुजुर्ग होने लगते हैं, हमारे सारे मांसपेशियां जो है वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। उसी तरह से ये वाली जो मांसपेशी है ये भी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। अब जब ये ढीली पड़ती है तो क्या होता है कि या तो वो अंदर को मुड़ती है या फिर बाहर को मुड़ जाती है। अगर अंदर को मुड़ती है तो उसके बाल चुभने लगते हैं, अगर बाहर को मुड़ती है तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे पंक्टम होता है। तो क्या होगा कि अगर ये पंक्टम जो है इस पलक के साथ नहीं टच होएगा और पंक्टम बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, तो एक जैसे नाली पानी की जा रही है और उसका मुंह बाहर की तरफ मुड़ जाए तो पानी बाहर की तरफ स्पिल होने लगता है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमें इसे सर्जिकली ठीक करना पड़ता है। तो एंट्रोपियन या एक्ट्रोपियन दोनों में से सिनाइल कुछ भी हो सकता है, और दोनों से पानी जो है आना शुरू हो जाता है। तो इसकी एक्ट्रोपियन के लिए हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो इसकी सर्जरीज जो है कॉमनली हम जो करते हैं वो लेटरल टार्सल स्ट्रिप प्रोसीजर, बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, और भी सर्जरी है बट सबसे कॉमनली यही यूज़ करते हैं। सपोज सबसे ज़्यादा हमारी जो एरिया है ये वाला ज़्यादा मुड़ा है, ये तो लूज़ है ही, तो ये लूज़ करने के लिए हमने ये किया। अब ये और भी मुड़ा हुआ है तो हम इसको कंबाइन करते हैं कि यहाँ मीडियली यानी कि इस एरिया को भी टाइट करें, तो उसको कहते हैं मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी। इसके अलावा और कई प्रोसीजर्स होते हैं जैसे टाइटनिंग के जो हमारे अवेलेबल होते हैं, जो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होते हैं। अब ऊपर वाली पलक जब अंदर की तरफ मुड़ती है उसके लिए भी डिपेंडिंग कि किस तरह की पलक जो है आपकी अंदर मुड़ के तंग कर रही है, कई बार क्या होता है केमिकल बर्न्स होते हैं, कुछ गिर गया आँख में उससे सूजन आई उससे भी पलक अंदर मुड़ जाती है, कोई चोट लगी है उससे भी अंदर मुड़ जाती है, तो उसमें डिपेंड करता है। कई बार हमें ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं मुँह से लेके एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगानी पड़ती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ठीक की जाती हैं। और अगर ऑकुलर सरफेस पे कोई प्रॉब्लम है तो हम यूजुअली पहले उसको ट्रीट करते हैं। सपोज यहाँ पे कॉर्निया पे घाव है, तो अगर हम बाकी सब कुछ करते हैं और इसको ना ठीक करें तो ये ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि कोई लोकल कॉज तो नहीं है पानी आने का। जब हम वो लोकल कॉज सारा एड्रेस कर लेते हैं तब हम बाकी की चीज़ों को ठीक करना शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि पानी आने के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है। सो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बच्चों में लेकिन अलग एक कारण रहता है, जैसे चश्मे का नंबर हो या बहुत स्क्रीन टाइम हो तो ड्राई आई होनी शुरू हो जाती है, तो उससे भी पानी आता है, वो एक अलग मसला है और उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं। हम आपको कुछ वीडियोज़ दिखाएंगे कैसे ये सर्जरीज होती हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है।